हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स तो फ्रेंड्स हम जून महीने के मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें हम कवर करने वाले हैं सारे नेशनल न्यूज़ और जितनी भी ऑबिट्रीज हुई हैं जो फेमस पर्सनैलिटीज़ के निधन हुए हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर किया है तो उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप मंथली करंट अफेयर्स किसी और मंथ की देखना चाहती हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की एक प्ले भी है चैनल पर जह, जहाँ पर आप और सभी मंथ्स के करंट अफेयर्स को भी देख सकती हैं और इसका पी डी एफ कहाँ पर मिलेगा बिल्कुल टेलीग्राम पर मिलेगा तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें सभी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं नेशनल न्यूज़ के साथ आज के सेशन को पहली न्यूज़ है परम अनंत आ स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर वॉज़ कमीशनड एट डैश तो कौन सी आई में जो है वो इसे कमीशन किया गया था तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आई आई तो फ्रेंड्स देखिए इसे सुपर कंप्यूटर जो मिशन है ना उसके दूसरे फेज के तहत से स्थापित किया गया है तो आपको ध्यान रखना है सिंपली कि कौन सी आईआईटी में इसको जो है कमीशन किया गया तो आईआईटी गांधीनगर में सेकेंड क्वेश्चन है विच आई आई टी रिसर्चर द मकैनिज्म ड्राइविंग द एवोल्यूशन ऑफ सार्स कोव टू इन ह्यूमन्स तो कौन सी आई आई टी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये जो मकैनिज्म है इसको रिवील किया है राइट आंसर हो जाएगा आई आई टी डेली के रिसर्चर्स के द्वारा इसे रिवील किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आई आई टी हैज़ डेवलप्ड एल्गोरिज्म टू प्रोटेक्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल राइट आंसर इज़ आई आई टी मद्रास तो आई आई टी मद्रास के द्वारा एक एल्गोरिथम में डेवलप करी गई जिससे कि जो एयर ट्रैफिक है उसे कंट्रोल किया जा सकेगा जो कि एल्गोरिथम है ना ये कैनोनिकल स्केल फ्री नेटवर्क की जो मजबूती है उसको बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ इनागरेटेड द थ्री डे थर्टी नाइन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तीन दिन की ये कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई इसका उद्घाटन किसने किया सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है इसमें देखिए जो रीजनल कमांडर्स थे ना उन्होंने एक रोड मैप यहाँ पे पेश किया जो कि सभी पॉलिसी जितनी भी स्ट्रेटजिक इशू हैं उनके ऊपर यहाँ पे चर्चा भी की गई जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसकी स्थापना हुई है फरवरी 1977 को। 2022? 2022 में जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ इसकी थीम क्या थी तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी और कब सेलिब्रेट किया गया है योगा डे ध्यान रखेंगे ट्वेंटी ऑफ जून को यह मनाया जाता है 2015 से जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनोगेटेड द सेवनटीन्थ एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सही आंसर है पीयूष गोयल तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो सत्रहवा एडिशन है इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कौन सी कंट्री को एज ए कंट्री ऑफ फोकस सिलेक्ट किया गया तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश तो ये क्वेश्चन ना आप लोगों से पूछ सकते हैं इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है।, है हमारा देखिए विच मिनिस्ट्री हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विथ ए बी एस मरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई तो कौन से मंत्रालय ने ए बी एस मरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देखिये ये जो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें छः रिसर्चर जो शिप है न उनको चलाने उनकी मैनिंग करने उनकी मेंटेनेंस, उनकी केटरिंग हाउसकीपिंग, इन सभी के लिए जो है इस एम को साइन किया गया ये जो छह रिसर्च शिप्स हैं इनका नाम है सागर निधि सागर मंजुषा सागर अन्वेषिका सागर तारा सागर कन्या और सागर संपदा तो ये छह शिप्स के ऊपर पूरी देखभाल करने के लिए ही इस एग्रीमेंट को साइन किया गया नेक्स्ट इज़ हु इनागरेटेड दी फर्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बाय इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव एट कलोल गुजरात गुजरात के कलोल में जो पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है इसे इनाग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने और इस प्लांट को किसके द्वारा सेटअप किया गया इफ्को के द्वारा इसी उद्घाटन के साथ में इंडिया जो है वो नैनो यूरिया का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने वाला पूरे विश्व में पहला देश बन गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड शिफ्टेड द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल फ्रॉम 2030 थर्टी टू विच ऑफ ईयर। पहले देखिए जो ब्लेंडिंग इथेनॉल ब्लेंड किया जाता है ना पेट्रोल और क्रूड ऑयल में उसका टारगेट था 2030 तक का बीस परसेंट इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा लेकिन ट्वेंटी से इस टारगेट को कर दिया गया है 2025 ट्वेंटी 2025 तक जो है वो इसका टारगेट अप कर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज गुजरात तो दो दिन का जो है ये नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में जो यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने पार्टिसिपेट किया साथ ही में यू के जो मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है इस कॉन्फ्रेंस में नेशनल एजुकेशन पॉलिटी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन शेफ हैज़ बीन रैंक अमंग द टॉप टेन ग्लोबल शेफ्स इन दी वर्ल्ड बाई गैजेट रिव्यू तो किस भारतीय शेफ़ को टॉप ट्वेंटी शेफ में स्थान टॉप टेन शेफ़ में स्थान दिया गया है तो उनका नाम क्या है विकास खन्ना इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर देखिए कौन है गॉर्डन राम और विकास खन्ना को इस लिस्ट में कौन सी पोजीशन मिली है सिक्स पोजीशन मिली है नेक्स्ट इज़ विच इंडियन नेवी शिप विल बी डी कमीशन एट नेवल टोक यार्ड इन मुंबई आफ्टर थर्टी टू ईयर्स ऑफ बींग एट दी फोर फ्रंट बत्तीस सालों के बाद सबसे आगे रहने वाले आगे रहने के बाद मुंबई के नेवल टोक यार्ड में अभी आई एन एस निशंक को जो है डी कमीशन किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एन एस निशंक और आई एन एस अक्षय इन दोनों को ही यहाँ पर डी कमीशन किया गया विच मिनिस्ट्री हैज़ फार्मूलेटेड द सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम टू एंगेज टैलेंटेड फॉर्वर्ड थिंकिंग एंड डायनमिक यंग प्रोफेशनल्स कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम को फॉर्मुलेट किया है आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर शिपिंग एंड वाटर वेज इसमें देखिए जो भी टैलेंटेड फॉर्वर्ड थिंकिंग डायनमिक यंग प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग डिविजन्स में उन सभी को यहाँ पर एंगेज किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज सरपास्ट गौतम अडानी टू रिगेन द स्पोर्ट ऑफ एशिया एंड इंडिया रिचेस्ट मैन गौतम अडानी को पीछे छोड़कर अब आगे कौन निकल गए हैं तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स तो एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स को लॉन्च करने वाला जो पहला जो आई है उसका नाम है आई अहमदाबाद ने इसे लॉन्च किया है ये अपनी तरीके का पहला लैंड प्राइस इंडेक्स है जो कि देश भर में क्या करेगा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको उसकी क्वालिटी कंट्रोल डेटा को रिकॉर्ड करेगा और साथ ही में उसे प्रेजेंट भी करेगा हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ रिलीज बंदा सिंह बहादुर मारिथ्रोम मोन्यूमेंट पोस्टर तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर कि किस मंत्री ने बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर को जारी किया है तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा इसे जारी किया गया है जो बाबा बांदा सिंह बहादुर थे ना ये ग्रेट वॉरियर थे और इनके ये शहीद हुए थे 9 जून 1716 को अलोंग विद अदर 18 कंपेनियंस एट मेहरौली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द टू मंथ्स लॉन्ग हर घर दस्तक कैंपेन 2.0? इसे किसने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है इस कैंपेन का मेन देखिए पर्पस क्या है जितने भी जो बेनिफिशरीज हैं उनके बीच में कोविड वैक्सीनेशन कवरेज लेना साथ ही में जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है ना उसको भी तेज करना जो हर घर दस्तक कैंपेन था इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नवंबर 2021 में लॉन्च किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च एन अलर्ट फीचर टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन ये फ़ीचर किसने शुरू किया है इंस्टाग्राम ने इस फीचर को शुरू किया है इस फीचर में मिसिंग चिल्ड्रन की जो डिटेल्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी इफ दे आर इन स्पेसिफिक एरिया वेयर एन एक्टिव रिसर्च इज टेकिंग प्लेस विच कंपनी हैज़ बैग्ड द कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड जीवार इन उत्तर प्रदेश तो इसका जो ठीका मिला है ना जीवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का ये किसको मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट राइट right आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी है इसका मेन उद्देश्य है लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पीपल्स इनवाइटिंग आइडियाज़ फॉर अकेडमिक्स टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल टू अडॉप्ट एन एनवायरमेंट कॉन्शियस लाइफ स्टाइल यानी हम एनवायरमेंट के प्रति जो जागरूक जीवन शैली है उसे अपना सकें इसी को ही यहाँ पर मतलब इसी के लिए प्रभावित किया जा सके द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी इज टू इंक्लूड इंडिया अमंग द टॉप air स्पोर्टिंग नेशंस by डैश तो जो राष्ट्रीय वायु नीति है 2022 तो की उसका उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स क्या है कि किस ईयर तक भारत को भी टॉप ईयर स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल करना तो ईयर कितना है 2030 हु अमंग द फुल लोइंगज लॉन्च द जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स जन समर्थ जो पोर्टल है फ्रेंड्स इसे किसने लॉन्च किया है तो सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है इट इज़ अ वन स्टॉप डिजिटल पोर्ट पोर्टल लिंकिंग गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स और यहाँ पर जो आइकॉनिक वीक है जो कि सिक्स टू इलेवन जून सेलिब्रेट किया गया ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड तो फ्रेंड्स इसे किसने लॉन्च किया है आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है तो याद रखेंगे फ्रेंड्स फाइनेंस मिनिस्ट्री अगला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स कंस्ट्रक्टर उन्होंने देखिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर किया और उसके लिए उन्होंने जो है पाँच दिनों में कितनी लम लंग, लंबी रोड बनाकर गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है तो सही आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर लंबी इन्होंने रोड बनाई है सिर्फ और सिर्फ 105 घंटे 33 मिनट्स में विश टेलीकॉम ऑपरेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑपरेटर टू तो प्रोवाइड 4G मोबाइल कनेक्टिविटी इन देंगोंग एरिया पेंगोंग एरिया में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला जो पहला ऑपरेटर बना है ये कौन सा है रिलायंस जियो विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज विद नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड टू वर्क इन द फील्ड ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग तो यहाँ हमें बताना है फ्रेंड्स की कौन सी आई ने Uh, जो है पार्टनरशिप करी है एन एच आई डी सी एल के साथ मिलके तो आंसर हो जाएगा आई आई टी रुड़की ने ये पार्टनरशिप करी है डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट एक्रिडिटेशन बॉडी इन वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन ऑफिस इन दी ओन स्पेस इन द मेटावर्स भाई मेटावर्स में अपना खुद का ऑफिस स्पेस रखने वाला पहला जो एक्रेडिटेशन बॉडी बनी है उसका नाम क्या है आंसर हो जाएगा द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन विच लेक वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसेस वाज डन भाई जो पहली फिशिंग कैट है ना मछली पकड़ने वाली जो कैट होती है फिशिंग कैट उसकी जनगणना किस झील में की गई तो सही आंसर हो जाएगा चिल्का लेक तो चिल्का लेक में पहली बार देखिए जो पॉपुलेशन है वो कंडक्ट कराई गई है और ये जो फिशिंग कैट है ना ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का नेक्स्ट इज इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनोग्रेटेड हेड क्वार्टर ऑफ इन स्पेस सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद तो इन स्पेस के मुख्यालय का जो उद्घाटन है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा किया गया और कहाँ पे अहमदाबाद में विच इंडियन इंस्टीट्यूट has रैंक्ड एज़ टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी इन the क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो इसमें अगर हम बताएं टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी कौन सी रही इंडिया की तो वो है आई आई एस सी बेंगलुरू डैश कोलाबरे विद इंडियाज इस्पेस एजेंसी इसरो विच विल एनहेंस द क्वालिटी ऑफ इट्स थ्री डी मैप्स तो जो उनका थ्री डी मैप है उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए मैप माई इंडिया ने इसरो के साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन किया है अब इसके थ्रू क्या होगा देखिए आप वेजिटेशन मैप्स और हीट मैप्स को भी देख सकते हो साथ ही में एयर क्वालिटी मैप्स के बारे में भी आप देख सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इज सेट टू लॉन्च अ मिशन जिसका नाम है द विसी मिशन दिस मिशन विल बी फ्लाई बाई वीनस एंड एक्सप्लोर इट्स हार्श एटमोसफेयर इन डैश तो फ्रेंड्स ये जो दविंसी मिशन है इसे नासा के द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा 2029 में और ये जून 2031 में वीनस के सरफेस पे पहुंच जाएगा ये क्या करेगा वहाँ जाके जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन है कौन सी आई है जिसने कोलेब्रेशन किया है एम्स के साथ टू ऑफर प्रोग्रामड इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ तो इसके लिए आई जोधपुर ने एम्स के साथ मिलकर यह कोलैबोरेशन किया इसमें आपको मास्टर्स मास्टर पी एच प्रोग्राम्स इन सभी के ऑफर्स भी मिलेंगे Which आईआईटी has developed a डेवलप्ड आ रोबोट जिसका नाम रखा है होमोसेप दैट कैन एलिमिनेट मैनुअल स्कैंजिंग इन इंडिया मतलब जो मैलट होने की प्रथा है या आपके लिए जो एंटी टैम एंटी सेप्टिक टैंक्स होते हैं जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उसमें ह्यूमंस जो है उनको क्लीन करते थे बट अब उनकी जगह पे रोबोट्स ये सारा काम करेंगे और इसी रोबोट को डेवलप किया है आई मद्रास ने इन जून 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू हु लॉन्च एनोकोवैक्स जो कि इंडिया की पहली होम ग्रोन कोविड नाइन्टीन वैक्सीन है एनिमल्स के लिए इस वैक्सीन को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया है विच ऑफ विल लॉन्च रिसर्च रॉकेट फ्रॉम रिमोट नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया तो जो आ, सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है वहां पे एक रिसर्च रॉकेट को कौन लॉन्च करेगा सही आंसर हो जाएगा नासा जो के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा अगला क्वेश्चन है हु अमंग लॉन्च्ड द स्टार्टअप फॉर रेलवेज टू लेवरेज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाई इंडियन स्टार्टअप्स तो किनके द्वारा जो है स्टार्टअप फॉर रेलवे इसे जो है स्टार्टअप पॉलिसी है इसे लॉन्च किया गया है सही आंसर है अश्विनी वैष्णो फ्रेंड्स अश्विनी वैष्णो के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है फर्स्ट ऑफ ऑल रेलवे मिनिस्ट्री इनके पास में ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म्ड फोर्सेस तो आर्म्ड फोर्सेस में युवाओं की भर्ती के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना को मंजूरी दी थी, थी उस योजना का नाम क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अग्निपथ ये जो स्कीम है ना देखिए इसमें जो यूथ सेलेक्ट किए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा अग्निवीर उनको कहा जाएगा विश टेलीकॉम कंपनी हेज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स तो टेलीकॉम कंपनी का नाम है भारतीय एयरटेल लिमिटेड जिसने लॉन्च किया है अपना एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स कहाँ पे मेटावर्स में नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी हैज़ पार्टनर्ड विद इन्फोसिस टू ऑफर फ्री डिजिटल एंड लाइफ स्किल्स कोर्सेस कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने पार्टनरशिप करी है इन्फोसिस के साथ मिलके तो यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम तो अब बात करते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है तो सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है और इसके मिनिस्टर कौन है तो ये भी हमें याद होना चाहिए फ्रेंड्स प्रहलाद जोशी जो है ये कोल ऑफ कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं देश में कोयला खदानों के संचालन के लिए जो मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है ये क्रिएट किया गया है हु अमंगता फो लॉइंग जिन्होंने लॉन्च किया है क्रांति गाथा और क्रांति गाथा को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन अंडर द इंडियन रेलवेज भारत गौरव स्कीम वॉज फ्लेगडॉफ़ तो भारत गौरव स्कीम के तहत जो पहली ट्रेन है इसे रवाना किया गया है कहाँ से कोयम्बटूर से इसे रवाना किया गया है तो ये कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हुई इन तमिलनाडु फॉर साई नगर श्रेणी इन महाराष्ट्र अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फॉर द ईयर 2022 2022 में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है थर्टी नंबर पे और पहले नंबर पे है डेनमार्क सेकंड नंबर पे है स्विट्जरलैंड पहली बार इसे 1989 में जो है वो पब्लिश किया गया था अगला क्वेश्चन है कौन सी यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इनाग्रेट किया है इंडस्ट्रियल डी समिट ट्वेंटी इन न्यू डेली तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि किन के द्वारा इसे लॉन्च किया या इसका उद्घाटन किया गया है तो फ्रेंड्स इसे इनाग्रेट किया है किसने नितिन गडकरी जी ने इसे इनाग्रेट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर उन्होंने एक स्क्वैश कोर्ट को इनोग्रेट किया कौन से स्टेडियम में तो अगर हम स्टेडियम की बात करते हैं तो स्टेडियम का नाम है मीजर ध्यानचंद स्टेडियम ये पहला जो है वो स्क्वैश स्पोर्ट कोर्ट है जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ओपन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द अपर एज लिमिट फॉर द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फ्रॉम ट्वेंटी वन ईयर टू डैश तो देखिये जो अपर एज थी ना उसे इक्कीस साल से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है तेईस ईयर जो है वो यहाँ पे या आपके लिए ट्वेंटी थ्री ईयर की जो एज है अब कर दी गई है द स्कीम देखिये और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंडियन यूथ के लिए टू सर्व इन अ रेगुलर कैडर ऑफ द आर्मड फोर्सेज पीरियड ऑफ फोर ईयर्स तो चार सालों के लिए जो है इंडियन यूथ है वो यहां पर सर्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा डैश साइन एन एमयू विद नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग फॉर कॉपरेशन इन मेट्रोलॉजी तो इसमें से किसके द्वारा जो किसने जो है वो ये एमएयू साइन किया है तो हमारा यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी तो फ्रेंड्स इंडियन नेवी ने यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के साथ मिलकर एम साइन किया है अब देखो इसमें जो वेदर और ओशियन मॉडलिंग है उसके क्षेत्र में दोनों की जो तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एक्सपर्टाइज को शेयर करेंगी और नेवल स्टाफ के जो चीफ एंड स्टाइफ है उनका नाम है एडमिरल आर हरी कुमार नेक्स्ट है फोर्टी फोर्थ जो चेस ओलंपियाड की टोर्च uh, रिले है इसे किस इसका शुभारंभ किसने किया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा जो है वो इसका शुभारंभ किया है और चेस्ट ओलंपियाड ओलंपिया टॉर्च हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट एवर टू कंट्री तो यहाँ पे कंट्री कौन सी हो जाएगी इंडिया व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिन्यूअल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं देखिए रिनील एनर्जी इंस्टॉलेशन की तो फ्रेंड्स भारत की जो है उसमें रैंक है थर्ड नंबर पे पहले नंबर पे है चाइना सेकंड नंबर पे है रशिया और तीसरे नंबर पे है भारत अगर हम टोटल सोलर इंस्टॉलेशन की बात करें तो उसमें भारत जो है वो चौथे नंबर पर है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द स्पीड टेक्स्ट ग्लोबल इंडेक्स जिसे रिलीज़ किया है ओकला ने तो फ्रेंड इसमें जो भारत की रैंक है वो है एक नंबर की नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट डैश तो किस कैंपस में जो है इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तो कैंपस कहाँ का है आई आई एस सी बेंगलुरु का अगला क्वेश्चन है कौन से शहर में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल योगा ओलंपियाड को इनाग्रेट किया है तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि किस ओलंपियाड में इसे इनाग्रेट किया गया है आ, मतलब किस सिटी में तो शहर का नाम हो जाएगा न्यू दिल्ली इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी ने इस योगा ओलंपियाड में देखिए आसन प्राणायाम क्रिया मेडिटेशन ये सारी की सारी जो है इनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा स्टूडेंट्स के द्वारा और इसे एन ने 2016 में शुरू किया था अगला क्वेश्चन है कौन से शहर में फोर्टी मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल इसका आयोजन किया जा रहा है तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है श्रीनगर में तो दूसरी बार जब श्रीनगर में जी काउंसिल की मीटिंग हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग इन 2021 तो so, फ्रेंड्स इसमें भारत जो है वो कौन से रैंक पे है भारत इसमें चौथे नंबर पे है पहले नंबर पे है चाइना उसके बाद है इटली उसके बाद है, है यूएस अगला क्वेश्चन है कौन सा आई है जिसने एक मेटल थ्री प्रिंटर को डेवलप किया है फॉर एयरो डिफेंस एंड जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन तो ये जो थ्री डी प्रिंटर है इसे विकसित किया है आईआईटी जोधपुर के द्वारा अगला क्वेश्चन है कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने निपुण प्रोजेक्ट यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्मन वर्कर्स को लॉन्च किया तो सही आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया एक एस्ट्रोफिजिकल एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन अराउंड डैश किसके चारों तरफ सन की जो मूवमेंट है उसकी एस्ट्रोफिज़िकल एनालिसिस की गई तो किसके चारों तरफ की गई है कुतुब मीनार अच्छा कुतुब मीनार के बारे में ध्यान रखिएगा जो कुतुब मीनार का निर्माण है ना ये कुतुबुद्दीन एबक के द्वारा शुरू किया गया था लेकिन वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट किसने किया था ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं इल्तुतमिश के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया अगला क्वेश्चन है एक्सपर्ट एट विच इंस्टीट्यूट जिन्होंने एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को डेवलप किया है सही आंसर है एम्स दिल्ली अब ये जो एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट है इसे पहन के आप स्पेस में भी योगा कर सकती हो तो उसी के पर्पज से इसको डेवलप किया गया अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड द सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इन जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स जो सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी है इसे इनाग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये तीसरा ऐसा सेंटर होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा जम्मू कश्मीर में सेटअप किया गया है विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया जिन्होंने एम साइन किया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग के साथ मिलकर टू वर्क ऑन मर्चेंट शिप्स तो इसके लिए इंडियन नेवी ने जो है ये एम uh, साइन किया है अब देखो इसमें क्या होगा जो भारतीय सेना के जो भी पर्सनल हैं वो मर्चेंट नेवी में बदल सकते हैं यानी उनकी जगह पर वो वर्क कर सकते हैं हु लॉन्च अ न्यू पोर्टल जिसका नाम है निर्यात यानी नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को किस किसके किस द्वारा जो है वो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है इन इनवे यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जिन्होंने इनाग्रेट किया ज्योतिर्गमय जो कि एक फेस्टिवल है जिसमें अनसंग परफॉर्मेंस के टैलेंट को शोकेस किया गया इस फेस्टिवल को इनाग्रेट किया गया है कहाँ पे न्यू दिल्ली में तो यहाँ पे देखिए ऐसे रियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शो करे गए जो कभी किसी ने सुने नहीं थे कौन सा एयरपोर्ट बना पहला एयरपोर्ट जो कि पूरी तरीके से चला चल रहा है हाइड्रो और सोलर पावर से तो हाइड्रो सोलर पावर से संचालित होने वाला जो पहला हवाई अड्डा बना है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम और इसको नाम दिया है सूर्य नूतन तो इसे डेवलप किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये क्या करेगा फ्रेंड्स सन से एनर्जी को कलेक्ट करेगा उसे कन्वर्ट करेगा हीट में आ, और इसमें ऐसे हीटिंग एलिमेंट्स भी लगे हैं जो कि सन एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट माउंटेनियर जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करी विदाउट द एड ऑफ ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं स्केलग रिंगजिंग हु इनोग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स इन जून 2022 तो बाजरे पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किसने किया है तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल इज द राइट आंसर तो इन्होंने जो है वो बाजरे पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया अगला क्वेश्चन है हु हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट जी एस आर नोटिफिकेशन टू इंट्रोड्यूस भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम तो इसको शुरू करने की जो मंजूरी है वो किसके द्वारा दी गई है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नितिन गडकरी डैश इज गोइंग टू होस्ट इट्स फर्स्ट एवर ओपन टू ऑल हैकेथन सीरीज पहली जो है ओपन टू ऑल हैकेथन सीरीज की मेजबानी करने जा रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हु हैज हुफॉर्म्ड दैट द सेंटर विल रोल आउट द वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम तो फ्रेंड्स किसके द्वारा ये सूचित किया गया है तो फ्रेंड देखो ये जो प्रोग्राम है ना वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम की जो सूचना है वो दी गई है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा इस प्रोग्राम में देखिए इसके तहत दे जो पेशेंट्स हैं जो, है, जो कि डा, डायलिसिस करा रहे हैं कहीं भी तो उनको कहीं भी किसी भी समय डायलिसिस करने में मदद की जाएगी

सही आंसर हो जाएगा नेस्कॉम ने इसे विकसित किया है नेस्कॉम की स्थापना हुई थी 1988 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है तो फ्रेंड्स ये थे हमारी सभी इंटरनेशनल न्यूज़ अब हम कवर करते हैं जून महीने की जो इंपॉर्टेंट ऑबिटरीज हैं उन्हें तो देखिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पूछे जा सकते हैं तो उन्हें हम कवर करेंगे फर्स्ट देखिए इंडियन हॉकी स्टेलवर्ट एंड मेंबर ऑफ द गोल्ड मेडल विनिंग 1975 वर्ल्ड कप टीम जिनका नाम क्या है वरिंदर सिंह इनका भी हाल ही में निधन हुआ है तो पूछ सकते हैं कि जो वरिंदर सिंह है उनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है तो आपका आंसर क्या हो जाता तब इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है हॉकी से और ये जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था 1975 में उस टीम का ये पार्ट रहे उसके बाद जब इंडिया ने 1972 में एक में मेडल जीता था उस टीम का भी ये पार्ट रहे थे 2007 में उनको प्रेस्टीजियस ध्यानचंद लाइफटाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया नेक्स्ट नाम देखिए किनका है टाइकून पल्लोनोजी मिस्त्री ये फेमस बिजनेस टाइकून है, टाइकून थे इनका निधन हुआ ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द शापूर जी पलनोसी ग्रुप जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस फिल्म है भारत में अब क्वेश्चन यहाँ से देखो क्या बन सकता है क्योंकि इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो कौन से ईयर में इनको इससे सम्मानित किया गया ये पूछ सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा टू नेक्स्ट नेम है वेटरन फोटो जर्नलिस्ट आर रविंद्रन तो इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 69 ही वाज रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरियस फोटोग्राफी अवार्ड्स एंड इज नोन फॉर photo आइकॉनिक फोटो ऑफ़ राजीव गोस्वामी सेटिंग हिमसेल्फ ऑन फायर ड्यूरिंग agitation एगिटेशन इन capital. तो इनका संबंध है जर्नलिस्ट फोटो जर्नलिस्ट थे ये नेक्स्ट नाम है प्रोफेसर गोपी चंद नारंग तो प्रोफेसर गोपी चंद नारंग देखिए ये उर्दू के जो उर्दू के प्रोफेसर थे अब इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो ये ईयर याद रखना है कब 2004 में साथ ही में देखिए इनको साहित्य अकादमी अवॉर्ड भी मिला कब 1995 में नेक्स्ट नाम है हरिचंद तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग लेजेंड थे हरिचंद इनका निधन हुआ अभी हाल ही में हरी वोन फाइव थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड मीटर गोल्ड एट दी नाइनटीन सेवेंटी एट बैंकोंग एशियाड ऑल्सो टेन थाउजेंड मीटर का जो टाइटल है वो भी इन्होंने जीता नाइनटीन सेवेंटी फाइव के एशियन चैम्पियनशिप्स में जो कि कहाँ पर हुआ था सियाल में नेक्स्ट नेम है फ्रीडम फाइटर अंजलाई सामी तो इन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस में लड़ाई लड़ी थी ब्रिटेन और जो ब्रिटेन है उनके अगेंस्ट में और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम जरूर इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेम है भजन सापूरी तो जो संतूर माइस्ट्रो यानी संतूर वादक है तो ये कौन सा जो कह लीजिए वाद्य यंत्र है उसको प्ले करते हैं तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आंसर होगा संतूर इन्हें पद्मश्री मिला है तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया 2004 में सेंथ ऑफ संतूर के नाम से या किंग ऑफ स्ट्रिंग के नाम से बहुत ज़्यादा जाने जाते थे इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था नाइनटीन और पद्मश्री कब मिला दो में अगला नाम है देखिए बुजर निशानी जो कि फॉर्मर अल्बानियन प्रेसिडेंट थे हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इनका निधन हुआ तो पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे आपका आंसर होगा अल्बानिया अल्बानिया की कैपिटल है तिराना करेंसी है अल्बानियन लेक प्रेसिडेंट है यहाँ के इलर रेगसेप मिता तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आज हमने नेशनल और ऑबिट्रीज न्यूज़ को कवर किया है मैं आशा करती हूँ कि आपका रिविज़न बहुत अच्छे से हो गया होगा ऐसे ही हम अगले सेशन में फिर आप लोगों से मिलेंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो